हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरेश ठाकुर फ्रॉम यूट्यूब चैनल कुछ भी। आज का हमारा विषय होगा कि क्या यूट्यूब चैनल एक लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो आइए इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं कि हम किस तरीके से जो है यूट्यूब के ऊपर काम कर अपने इसको जो है एक सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे आपको मालूम है कि कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत सारे लोग जो है अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे। तो बहुत सारे लोगों ने ये सोचा कि अब क्या किया जाए, अब घर से बैठ के कैसे काम किया जाए। तो उन्होंने जो है ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म को चुना, और उसमें जो मुझे भी लगता है कि सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म आज की डेट में है वो है यूट्यूब। यूट्यूब के ऊपर आप कुछ भी ऑनलाइन डिजिटल काम कर सकते हैं और लोगों तक अपनी अपनी जो है टैलेंट को, अपने हुनर को जो है आप पहुँचा सकते हैं। और YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया आज की डेट में कि हर एक आदमी चाहता है कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम जो है एक चाहे वो कुछ और भी काम करता हो। कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो इसको सेकंड ऑप्शन पे भी काम करते हैं, कुछ लोग हैं जो इसको फुल टाइम काम करते हैं। तो अब लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें इस पर कैसे काम करना है और हम इसको कैसे जो है एक अपना इनकम ऑफ सोर्स बना सकते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार YouTube चैनल तो चला लिया जाए, बट इससे इनकम कैसे आएगी। तो वो मैं बताता हूँ आपको कि इनकम कैसे आएगी। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, और मोनेटाइज के लिए जैसे मैं आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि मोनेटाइज के लिए Google की तरफ से, YouTube की तरफ से कुछ कंडीशंस हैं, जिसमें 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर जो है आपके वॉच टाइम होना चाहिए। जैसे ये कंप्लीट हो जाता है आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। मोनेटाइज होने के बाद जो है इस पे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की एड लगना शुरू हो जाती है, आपकी हर एक वीडियो के ऊपर एड लगना शुरू हो जाती है। और वो एड का जो इनकम जो होती है, उससे जो आपको रेवेन्यू जनरेट होता है, उसका जो है कुछ परसेंट जो है YouTube रखता है और बाकी का आपको देता है। मीन्स की 45% जो है YouTube रखता है और 55% जो है आपको देता है। तो ये इनकम जो है इस तरीके से आपकी उस पर जनरेट हो जाती है, और इस तरीके से आपका वो एक इनकम ऑफ सोर्स बन जाता है। अब ये कहना कि यूट्यूब जो है लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म है, कितना सही और कितना गलत है, तो मेरी नॉलेज में जो है मुझे लगता है कि डेफिनेटली जो है यूट्यूब एक लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म है। अगर हम यूट्यूब पे अच्छे ढंग से काम करते हैं और थोड़ा सा प्रोफेशनली हम काम करते हैं, तो YouTube डेफिनेटली जो है लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म बन सकता है, और काफी लोगों का बना भी है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने YouTube को जो है फुल टाइम जिस पे काम करते हैं, और कुछ लोग जो है कुछ पार्ट टाइम काम करते हैं, बिकॉज उनके कुछ और भी इनकम ऑफ सोर्स हैं, तो वो लोग इस पे पार्ट टाइम काम करते हैं। तो बात सारी ये है कि जितना आप इस पे काम करोगे या जितनी आप इस पे वीडियोज डालोगे और जितने उनके व्यूअरशिप बनेगी, जितना उनका वॉच टाइम जो है आपका आपको मिलेगा, उसी के ऊपर सारा डिपेंड होता है कि आपको एड जो है उस कैटेगरी की मिलना शुरू हो जाती है और उसमें बजट की मिलना शुरू हो जाती है। तो मेन ये है कि यूट्यूब को ये लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म समझा जाए, तो डेफिनेटली इसको समझा जाए, बिकॉज यूट्यूब से बहुत सारे लोगों ने बेनिफिट लिया है। और कई लोग ऐसे थे जो कि कोरोना के टाइम में जिनकी नौकरियां चली गई, बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई, तो उनको जो है कोई सोर्स नहीं मिला, तो उन्होंने यूट्यूब चैनल शुरू कर दिए। और आने वाला टाइम जो है ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म का ही है। हमें ये समझ जाना चाहिए कि हमें सारा काम जो है अब डिजिटली करना है। तो इसको हम डेफिनेटली जो है, मैं तो कैटेगराइज करूँगा कि हम इसको लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म समझ सकते हैं। यूट्यूब पे जो है आपको थोड़ा सा टाइम डिवोट करना पड़ेगा, आपको अच्छा कंटेंट बनाना पड़ेगा, जिससे आपको जो है अच्छी एड मिलना शुरू हो जाएगी, जिससे आपका एक अच्छा रेवेन्यू शुरू हो जाएगा। तो आज हमें जो है इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और ऐसा तो नहीं है कि आज आप वीडियो बनाओगे और कल को आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा और आपको इनकम आनी शुरू हो जाएगी। इट विल टेक टाइम, थोड़ा टाइम लेगा, 6 महीने, साल, 1.5 साल, लेकिन आपको इस पर कॉन्स्टेंटली काम करते रहना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप इस पर कंटेंट नहीं डालोगे तो आपको एड्स नहीं आएंगी, एड्स नहीं आएंगी तो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। तो थोड़ा सा हर एक चीज के लिए एक प्रोसेस होता है, हर एक चीज का एक टाइम होता है। तो आपको इस पे कॉन्स्टेंटली जो है कंटेंट डालते रहना पड़ेगा,
और जैसे जैसे आपका कंटेंट जो है लोगों के बीच में जाएगा तो उससे जो है आपको बेनिफिट होगा, उसके ऊपर आपको एड्स मिलना शुरू हो जाएंगी और आपका जो है इनकम शुरू हो जाएगी। तो मेरा बोलने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आज यूट्यूब चैनल चला दिया और कल को आपको इनकम मिलना शुरू हो जाएगी। नो, थोड़ा टाइम लेगा, आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए और एक अच्छा कंटेंट और एक अच्छा जो है लोगों की जो क्या लोग चाहते हैं, क्या लोग देखना चाहते हैं, वो थोड़ा ध्यान में रखते हुए आपको इस तरह से आपको जो है उसके ऊपर वीडियोस डालनी शुरू करनी पड़ेगी। अब इस YouTube चैनल चलाने से किन किन लोगों को फायदा हुआ है और हो रहा है, जैसे हमारे जितने भी नए फिल्म मेकर हैं वो अपनी फिल्में तो बना देते थे लेकिन इसको चलाएं कहाँ, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता था। तो बेसिकली यूट्यूब उनके लिए बहुत बड़ा एक वरदान साबित हुआ। वो जो भी फिल्में बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म बनाए, चाहे लार्ज शॉर्ट फिल्में बनाए या फिर डॉक्यूमेंट्रीज बनाए, तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहती थी कि अब इसको दिखाएं कहाँ। तो यूट्यूब उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और उन लोगों ने जो है यूट्यूब पे अपनी शॉर्ट फिल्में और जो भी डॉक्यूमेंट्रीज बना के जो है डालनी शुरू की। और धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी व्यूअरशिप बढ़ती गई वैसे वैसे उनको जो है उस पर एड्स मिलना शुरू हो गई, उनका चैनल मोनेटाइज हो गया और आज वो एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। सेकेंड जो है फायदा हुआ, ऐसे कुछ हिडन टैलेंट थे जिनके पास टैलेंट तो है लेकिन वही है कि उसको अब दिखाया कहाँ जाए, तो ऐसे भी लोगों को बेनिफिट हुआ जिन्होंने जिनके पास अच्छा टैलेंट था लेकिन वो कहीं दिखा नहीं सकते थे, तो उन्होंने उनको भी ये बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ कि उन्होंने अपनी वीडियोस बनानी शुरू की और जो है यूट्यूब के ऊपर डालनी शुरू कर दी और आज उनका जो है चैनल मोनेटाइज भी है और वो एक अच्छी इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। फिर कुछ हम जैसे लेते हैं, जैसे हमारे कुछ सिंगर्स हैं, कुछ हमारे थिएटर आर्टिस्ट हैं जिनको जो है वो सिंगल्स अपना सॉन्ग तो गा लेते हैं, वीडियोस भी बना लेते थे लेकिन उसको डाले कहाँ, तो यूट्यूब के ऊपर उन्होंने डालना शुरू किया। यूट्यूब जो है सबके लिए एक बेनिफिशियल प्लेटफॉर्म मिला और आज की डेट में आप चाहे कोई भी नॉलेज की चीज़ ले लो, चाहे किसी भी चीज़ के ऊपर आप सर्च कर लो, आप यूट्यूब के ऊपर जाइए, यूट्यूब आपको सब चीज़ों का आपके पास उसके पास मटेरियल है, वो आपको सारी चीज़ें आपको वहाँ एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर प्रोवाइड कर देगा। तो यूट्यूब जो है बेसिकली एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सभी लोगों के लिए, चाहे वो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं। जो नहीं चला रहे हैं वो यूट्यूब से बेनिफिट इस वे में ले रहे हैं कि कुछ भी चीज सर्च करनी है या किसी चीज के बारे में जानकारी लेनी है तो वो यूट्यूब के ऊपर सर्च करते हैं और वहां से जानकारी ले लेते हैं। तो बेसिकली किसी ना किसी को तो काम करना है ना कोई तो वो वीडियो बना रहा है जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है सबको बेनिफिट दिला रही है। तो यूट्यूब जो है आज की डेट में बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है और मैं डेफिनेटली मानता हूं कि यूट्यूब जो है एक लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म है। YouTube जो है सबसे मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल उन लोगों के लिए है जो कि नए वीडियो कंटेंट क्रिएटर आ रहे हैं, जो अपने किसी भी नॉलेज को या अपने किसी टैलेंट को जो है अपना दिखाना चाहते हैं और उसकी वीडियो बनाकर जो है YouTube के ऊपर डाल देते हैं, तो उनके लिए वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। मेरा ये मानना है कि जितने भी नए हमारे कंटेंट क्रिएटर आ रहे हैं वो सब के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है YouTube, बिकॉज उस पर कोई YouTube के ऊपर सबसे बड़ी बात है कि आपको कोई फीस नहीं देनी है, आप अपना वीडियो बनाइए और उस पर अपलोड कर दीजिए, दैट्स इट। सेकेंडली मुझे लगता है कि उन बच्चों के लिए यूट्यूब एक बहुत हेल्पफुल प्लेटफॉर्म है जो बच्चे जो है कोई कोर्सेज करना चाहते हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं और वो फीस नहीं दे सकते, तो यूट्यूब के ऊपर आपको पूरे पूरे कोर्सेज के पूरे पूरे प्रोफेशनल कोर्सेज के जो है ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं, तो वो बच्चे इसका बहुत बेनिफिट उठा सकते हैं कि वो ज्यादा कुछ फीस कुछ ना देकर जो है सारी नॉलेज गेन कर सकते हैं। अब उनके ऊपर है कि वो कितना इससे सीखते हैं और कितना इसका बेनिफिट ले पाते हैं। तो YouTube जो है बेसिकली एक मेरी नॉलेज में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और एक लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म मैं इसको मान सकता हूँ। एंड सेकेंडली क्या है कि यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसे वीडियोज हैं जो कि हमें जिसके बारे में हमें नॉलेज भी नहीं होती है लेकिन वो आप अगर उस पर सर्च करोगे तो आपको हर एक तरह का मटेरियल जो है यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम यूट्यूब से कोई बेनिफिट नहीं ले सकते, जो वीडियोस बना रहे हैं वो तो बेनिफिट लेंगे लेकिन जो नहीं भी बना रहे हैं वो देख के बेनिफिट ले सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा कि यूट्यूब को एक सेकेंड ऑप्शन, अगर फर्स्ट ऑप्शन नहीं आपने लेना है तो सेकंड ऑप्शन जो है एक सोर्स ऑफ इनकम का आप कर सकते हैं।
मैं इसमें कोई दो राय नहीं। अंत में अगर मैं आपको एक कंक्लूजन बताऊं तो मेरी नज़र में जो है बहुत सारे लोगों का जो है यूट्यूब ने एक कॉमन आदमी का जो है एक लाइफस्टाइल भी चेंज कर दिया है, बिकॉज उन्होंने अपनी मेहनत की यूट्यूब के ऊपर, वीडियोज़ बनाए और इससे जो है एक अच्छी इनकम आज वो जनरेट कर पा रहे हैं। जिनके पास जो है लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं होते थे, जिनके पास रोजी रोटी के लिए पैसा नहीं होता था, आज वो जो है अपना अच्छी खासी अपने इनकम तैयार कर रहे हैं और उनके पास आज की डेट में सब कुछ है। तो YouTube ने जो है सबका लाइफस्टाइल चेंज कर दिया है और डेफिनेटली जो है इसको जो है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मान सकते हैं। अंत में मैं दो लाइनें कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि YouTube ही एक सोर्स ऑफ इनकम है। जो लोग जो है किसी और बिजनेस में इन्वॉल्व हैं या जो कुछ और अपनी नौकरी करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो अपना नौकरी पे, अपने बिजनेस पे कंसंट्रेट करें। ये बात उन लोगों के लिए हो रही है जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, वो अपना जो है इनकम ऑफ सोर्स इसे तैयार कर सकते हैं, बिकॉज इसमें कोई ज़्यादा एफर्ट्स की जरूरत भी नहीं है, ज़्यादा स्किल की जरूरत भी नहीं है। आप बस अपना किसी भी टॉपिक के लिए को लेकर जो है अपना एक वीडियो बनाइए और यूट्यूब के ऊपर डाल दीजिए और आप इससे अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अंत में मैं अपने व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, बिकॉज आपके कमेंट जो है हमें और इंस्पायर करते हैं कि हम कुछ और नया बनाएं आपके लिए। तो कमेंट प्लीज़ करिएगा, ज़रूर करिएगा, बिकॉज उससे आपकी राय भी पता लगती है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या क्या इसमें कमियां रहीं, तो हम वो भी सुनने के लिए रेडी हैं कि अगर कोई कमी है तो आप वो भी हमें लिख सकते हैं, आप वो अपने कमेंट में डाल सकते हैं। हम उसके लिए, ऐसा नहीं है कि आपका कोई आपका कमेंट आएगा तो उसको डिलीट कर देंगे। हाँ, मतलब एक ठीक कमेंट हो, ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ पर्सनली मेरे से बात करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली जितनी भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। और इसका जो लिंक है अपने चैनल का वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ जाके इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।